ठीक है, गुड इवनिंग गाइस। सो हम लोग अब मंथली सीए में सोशल इश्यूज को कवर कर रहे हैं, और आज का पहला आर्टिकल है लर्निंग पॉवर्टी। राइट, सो पॉवर्टी क्या होता है, किसी को डेफिनेशन आइडिया? वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ के अकॉर्डिंग क्या होता है पॉवर्टी, उसकी याद है किसी को? पांच इंडिकेटर्स बताए थे उसने। ठीक है, सो पहले आई थिंक मूव करें। कुछ हाँ कुछ सर, डॉलर्स के टर्म में होता है ना, पर डे करना होता है ऐसा कुछ। एग्जैक्टली हाँ मुझे वो, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ सर, वो कैलकुलेशन बेस, वो जो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एक पीपीपी बेसिस पे, एक जीडीपी बेसिस पे, एक सिंपली एवरेज उस पे, है ना? वो तो मैथमेटिकल हो जाता थोड़ा सा। उसके अलावा एक उन्होंने स्टेट्स बताए थे कि कब कब हम किसी भी कंडीशन को बोलेंगे कि, या फिर किसी भी पर्सन को बोलेंगे कि हाँ वो पुअर है या पॉवर्टी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो उसने कुछ बोले थे, जैसे एक था लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। राइट, तो लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया। सेकेंड हो गया जो उसके पास एक्सेस नहीं है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, जिसका एक्सेस नहीं रहता है। फिर अगला जो उसने कंडीशन बोला था वो था उसके पास फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब है रूफ। तो जनरली ऐसे रूफ जो एग्जिस्ट होते हैं, राइट, वो स्लम में जो एक इशू रहता है कि उनके पास एक हार्ड फास्ट रूफ नहीं है, तो छत ना होना एक अगला कंडीशन हो गया। इसके बाद जो एक कॉमन रहता है वो ये है कि उनके पास कैपेसिटी या अपॉर्चुनिटी नहीं है अपनी इस कंडीशन से निकलने के लिए, एंड पेयर्ड विद लैक ऑफ एक्सेस या लैक ऑफ प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस। तो उनके पास ग्रीवियंस रिट्रेसल के लिए भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, उनके पास कैपेसिटी या अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। उसके अलावा तीन बेसिक कंडीशन जो कि पॉवर्टी की रहती है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। इन पांचों कंडीशन के बेसिस पर बोलता है वो कि एक पर्सन पुअर है कि नहीं। और हम जब ये जो कैलकुलेशन बेसिस की बात करते हैं, तो उसमें हम एक सिंपल डेफिनेशन ये मानते हैं, पॉवर्टी का स्टेट है कि किसी बंदे के पास वो कुछ कमाता है। राइट, सो लेट्स से उसके पास कुछ क्वांटिटी जमा होती है पर उसके खर्चे कुछ और है। राइट, सो वो कमा कुछ ऐसा रहा है, उसका खर्चा है वाई, और ये जो डिफरेंस है ये अपनी कैपेसिटी से वो फुलफिल नहीं कर सकता, मतलब उसके पास है ही नहीं वो क्या बोलेंगे, या तो उसको स्किल्स नहीं है उसके पास, या फिर उसके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, या उसको गवर्नमेंट एड नहीं मिल पा रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशन है कि डिस्पाइट हैविंग अ डिफरेंस ऑफ वाई एंड एस, ठीक है, वाई उसका खर्चा है एंड एस उसका इनकम है, उस खर्चे को पाटने के लिए या उस खर्चे को फिल करने के, गैप फिलिंग के लिए उसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है रिसोर्स। राइट, सो उस केस में हम उसको बोलते हैं पॉवर्टी। अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पे। ठीक है, तो आर्टिकल है लर्निंग पॉवर्टी को लेके, क्यों? वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें उसने इंडिया की लर्निंग पॉवर्टी को भी एड्रेस करा, स्पेसिफिकली हाउ इट शॉट अप ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। सो उसके पहले ये जो पूरा एस्टिमेट है ये क्या क्या बता रहा है। सो पहला है, 55% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया एट लेट प्राइमरी एज टुडे आर नॉट प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एडजस्टेड फॉर द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सेकेंड, आउट ऑफ स्कूल क्या है, सो इन इंडिया 2% ऑफ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल एंड दीज चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लर्निंग इन स्कूल। एंड एज इन मोस्ट कंट्री लर्निंग पॉवर्टी इज हायर फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स। सो ऑब्वियस बात है, बॉयज का एनरोलमेंट ज्यादा होता है, गर्ल्स का कम होता है, तो उस रीजन के कारण द लर्निंग पॉवर्टी इज ऑब्जर्व मोर इन बॉयज देन गर्ल्स। अदर देन दैट, जो एक बॉयज इजिली सब्सेप्टेबल हो जाते हैं अपने सोशल कंडीशंस के लिए, राइट, जो गुंडागर्दी बोल देते हैं, आवारापंती बोल देते हैं, राइट, तो उन सब कंडीशंस के कारण भी बॉय में एक ज्यादा डेफिसिट देखने को मिलता है इस लर्निंग पॉवर्टी में। ठीक है, अब उसके अलावा जो डेटा गैदर करा था वर्ल्ड बैंक ने, उससे क्या निकला कि इन पैंडेमिक अबाउट 53% ऑफ चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू रीड अ सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस शॉट अप टू 70%। राइट, सो 2019 में 53% था, पैंडमिक में 70% हो गया। मूविंग ऑन,
ड्यूल शॉक्स टू एजुकेशन सिस्टम, पहला है स्कूल क्लोजर्स एंड सेकेंड है एनशोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज बाय द कोविड-19 पैंडेमिक इज एग्रेवेटिंग द ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस एंड इम्पैक्टिंग एजुकेशन अनप्रेसिडेंटेड वेज। दिस जनरेशन विल बी हार्म कंपेयर टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट जनरेशन जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन स्पेसिफिक ईयर्स एंड वर फाइन बिटवीन 5 एंड 18 ईयर्स। सो इस जनरेशन को क्यों ने स्पेसिफिकली बोला है, दे वुड बी मच मोर इन अ बिजार स्टेट देन देयर प्रीवियस और नेक्स्ट। सो प्रीवियस इसलिए बिकॉज दे आर इन फाइनल फाइनल ईयर्स, राइट। तो 16 टू 18 ईयर्स के हैं। डिस्पाइट 55% ऑफ चिल्ड्रन नॉट एबल टू यू नो बींग प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, अगर वो उस एक स्टेज से क्रॉस करके हायर उसमें आ जाते हैं तो हमें पता है लोअर इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम में या लोअर एजुकेशन में जो रेशियो है वो अराउंड 100% है, मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्राइमरी तो चले जाते हैं। बट जब हम हायर एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं ना, सेकेंडरी एजुकेशन में बात करेंगे या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में बात करेंगे, यहाँ पे जब हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करने आते हैं तो द परसेंटेज ड्रॉप्स टू अबाउट 50%, राइट। यही चीज वो यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। सो डिस्पाइट द चिल्ड्रन बींग ओनली 50% इन 16 टू 18 ईयर्स इन द स्कूल, वो लोग कहीं ना कहीं कोप अप कर लेंगे। बट नेक्स्ट जनरेशन, वो अभी जो एक जनरेशन फेस कर रही है प्रॉब्लम्स, उसके से जो सॉल्यूशन निकलेंगे उसको एड्रेस करने के कारण नेक्स्ट जनरेशन भी कवर अप हो जाएगी, ये मान के चल रहे हैं, राइट। इस कारण से ये जनरेशन जो अभी पैंडेमिक में फंसी है बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 18, दे आर मोस्ट प्रोन टू गेट हार्म एंड बींग मोस्ट पुअर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। कुछ नहीं हुआ, सो दैट विल बी लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर अर्निंग्स एंड लोअर वेलबींग। बिकॉज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो इंडिया एक प्राइमरी नेम है, एंड स्पेसिफिकली जब हम देख रहे हैं कि 2040 ऑनवर्ड्स हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम एक डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है और तो साथ ही साथ इस इश्यू को टैकल करना। आगे, वाई इज लर्निंग टू रीड प्रोफिशिएंटली बाय एज 10 और 10 सो इम्पॉर्टेंट एज अ बेंचमार्क। सो वंस चिल्ड्रन हैव लर्न टू डिकोड एंड बिकम फ्लुएंट रीडर्स, दे रीड फास्टर एंड दिस फ्रीज अप कॉग्निटिव स्पेस फॉर देम टू फोकस ऑन टेक्स्ट मिसिंग। बाय कॉन्ट्रास्ट इफ दे डू नॉट ऑब्टेन गुड स्किल्स एज रीडर बाय अप्रोक्सिमेटली एज 10, दे टेंड टू फॉल फर्दर एंड फर्दर बिहाइंड एंड फ्यू कुड कैच अप। एंड हाई रेट्स ऑफ रीडिंग बाय एज 10 गो हैंड इन हैंड विद बेटर स्किल्स लेटर इन लाइफ। अबाउट लर्निंग पॉवर्टी, सो इट मीन्स बींग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय एज 10, राइट। सो IQ उनका कम रहता है। ऑल फाउंडेशनल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बट रीडिंग इज फोकस्ड बिकॉज रीडिंग प्रोफिशिएंसी इज इजिली अंडरस्टूड मेजर ऑफ लर्निंग। पहला, रीडिंग इज अ स्टूडेंट्स गेट अवे टू लर्निंग इन एवरी अदर एरिया। रीडिंग प्रोफिशिएंसी कैन सर्व एज अ प्रॉक्सी फॉर फाउंडेशन लर्निंग अदर सब्जेक्ट्स, एंड जस्ट एज मॉनिटरी पॉवर्टी एक्सक्लूड्स पीपल फ्रॉम इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, सो डज अ लैक ऑफ बेसिक रीडिंग स्किल्स। अब यहाँ पे रीजंस क्या क्या देके रखे लर्निंग पॉवर्टी को लेके, सो पहले है पुअरली डिजाइन स्टडी मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट बुक लर्निंग और मटेरियल्स, देन सीवियर डिप्रीवेशन अमंग चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, अनहेल्दी एनवायरमेंट्स और लैक ऑफ नर्चर बाय केयर गिवर्स, फोकस ऑन रॉट लर्निंग, पुअर स्कूल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। इसी में डिजिटल डिवाइड, डिजिटल पॉवर्टी, ये सब आ जाता है ना, सो दे हैव एड्रेस ओवर हियर ओनली वेदर इट्स डिवाइड ऑफ पॉवर्टी। ये ठीक जो है, रीजंस है ना, ये बाकी अगर एजुकेशन का भी टॉपिक आया है ना तो उसमें भी लिख सकते हैं हम, अगर स्पेसिफिक लर्निंग पॉवर्टी ना आए तो। हाँ ठीक है, अगले उस पे चलते हैं। सो अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल्स। सो पहला है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, पुअर एजुकेशन आउटकम्स हैव मेजर कॉज फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी गिवन दैट ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेल्थ ग्लोबली। तो SDG कौन सा है जो एजुकेशन को एजुकेशन से डील करता है? ठीक है, देन इम्प्रूविंग ओवरऑल स्कूलिंग सिस्टम, सो वेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीड इट्स यूजली अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्कूल सिस्टम्स आरंट वेल ऑर्गेनाइज टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न इन अदर एरियाज सच एज मैथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आइदर। बेटर क्वालिटी फोर्स, सो
So countries which have prioritized investment in foundation learning have produced a better quality of workforce, enabling their economics to take off. Example इसका नॉर्वे, स्वीडन है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई. देन हमारे आस पड़ोस की बात करें तो साउथ कोरियन, चाइना, दे इन्वेस्टेड प्रॉपरली इन एजुकेशन सेक्टर 1970s, एंड उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी इनकी इकोनॉमी एक ट्रिमेंडस रेट पे चलती है. देन इम्प्रूव्स इंडिविजुअल फ्रीडम. सो इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, इट कैन लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स, पॉवर्टी रिडक्शन, हायर रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. इन शॉर्ट, लिबर्टी की तरफ ले जाती है प्रॉपर एजुकेशन, राइट. प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था उसमें लिबर्टी की डेफिनेशन थी. सो उसका एक बेसिक नीड है टू हैव अ प्रॉपर लर्निंग स्किल. देन बेनिफिट सोसाइटी. फॉर सोसाइटीज, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फास्ट इनोवेशन ग्रोथ, better functioning institutions, greater intergenerational social mobility, higher levels of social trust and a lower likelihood of conflict, right? intergenerational social mobility क्या रहती है? So short में आपका बच्चा, मतलब जो आपकी future generation है, उसको economic या फिर जो अलग अलग type के obstacles आते हैं, वो major form में face ना करना पड़े, right? तो जितनी स्मूथ एजुकेशन रहेगी, जितनी बेटर लर्निंग स्किल्स रहेगी, कहीं ना कहीं नेचर नर्चर के कारण वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होती है, एंड एज वेल एज जो आप अभी रिसोर्सेज गेन कर रहे हो, दैट विल बी एबल टू सफाइस सम ऑफ द नीड्स ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन, दस एनहांसिंग द ग्रेटर इंटर जनरेशन सोशल मोबिलिटी. ठीक है, आगे चलते हैं. सो अब वर्ल्ड बैंक ने उसी रिपोर्ट में रिगार्डिंग इंडिया एक पॉलिसी पैकेज के बारे में बात करा है. To help children learn to read consists of four components to bring focus and facilitate what countries need to do. Para, ensure political and technical commitment to clear goals, means and measure for literacy. Right. So national goals should be set with an understanding of how students are currently doing, and system should be used as the data for a baseline on which to develop achievable goals, interventions, indicators of progress. So jo Sarva Shiksha Abhiyan hai, right, jiske andar humne alag alag components इंक्लूड कर लिए है. उसके अलावा वी हैव वेरियस इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रन कर रही है. उसके अलावा स्टेट्स अपने अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो जब कोविड स्ट्रक हुआ था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कुछ स्कूल्स ने लाउड स्पीकर्स को यूज करा था टू प्रोपोगेट द एजुकेशन प्रॉपरली. कुछ ने अपने गाँव में ही डिजिटल कैपेसिटी जनरेट करने का काम करा था. बट द प्रॉब्लम इज कि ये स्टेट्स की जो एक्सपेरिमेंट्स थे, या तो ये दूसरे स्टेट्स इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या प्रॉपर शेयरिंग नहीं हो पाई, राइट. तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल कमिटमेंट आल्सो एज वेल एक्सेप्ट अदर देन द टेक्निकल कमिटमेंट, सो एज टू मेजर एंड रिजॉल्व लिटरेसी ऑब्जेक्टिव्स. नाउ इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग फॉर लिटरेसी. सो टीचर्स नीड्स टू बी सपोर्टेड विद लर्निंग मटीरियल्स एंड टीचर गाइड्स दैट हैव अ स्टेप वाइज प्लान एंड विच स्ट्रॉन्गली एम्फसाइजेस प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक क्लासरूम स्किल्स. ठीक है, अगला है टाइमली एक्सेस टू मोर एंड बेटर एज एंड स्किल अप्रोप्रिएट टेक्स्ट. सो इन मंगोलिया बेटर एक्सेस टू बुक्स लेड टू अ 0.21 स्टैंडर्ड डेविएशन इंप्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स आउटकम. ठीक है, ये डेटा हो जाता है इंपॉर्टेंट. देन फर्स्ट टीच चिल्ड्रन इन द लैंग्वेज दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड. सो रिसर्च शोज दैट लिंग्विस्टिक अगर लोकल रहेगा, या फिर जो आपका पेट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज है, सो दैट वुड लीड टू अ हायर कॉम्प्रिहेंशन एंड इट वुड प्रोवाइड फॉर अ बेटर फाउंडेशन to learn a second language as well as study more complex topics later on. Now, how can school works to bridge learning gap? Pehla hai, open schools. So there's a need to reach every child through aggressive enrollment campaigns, communication campaigns at the macro level, such as national state level. Second, assessment. So humne PESA jaise ek global program mein participate to kar liya, but ab requirement hai ek indigenous program ya assessment system banane ki. Then prioritize teaching fundamentals. So many countries have very rich and dense curriculum with many subjects, but we need to make sure that at least in the beginning, children are focusing on the fundamentals. Increase catch-up learning. So teacher will require a lot of support to be able to group students within the classroom, not according to the grade or according to the age, but according to where they are, or simply IQ, right? So ek hota uska mental age, right? Ek hota uska physical age. So yahan pe फोकस है दैट द क्लासरूम ग्रुपिंग शुडंट बी बेस्ड ऑन फिजिकल एज बट रादर ऑन मेंटल एज. अगेन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर फिजिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है बच्चों में. तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए टीचर्स नीड्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन दिस रिगार्ड, सो एज टू रिजॉल्व द सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड.
देन है जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो द पैंडेमिक हैज टॉट अस दैट द मैजिक ऑफ लर्निंग हैपेंस इन द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स व्हिच विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी विल कॉम्प्लीमेंट द ह्यूमन फैक्टर टू मेक द वर्क ऑफ टीचर्स मोर इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव. नाउ अभी तक स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं टू टैकल लर्निंग पॉवर्टी. सो वर्ल्ड बैंक लॉन्च द न्यू ऑपरेशन ग्लोबल लर्निंग टारगेट टू कट द लर्निंग पॉवर्टी रेट बाय एटलीस्ट हाफ बिफोर 2030. सो जो भी अभी पैंडेमिक के कारण लर्निंग पॉवर्टी बढ़ चुकी है ग्लोबली, आपको उसको रिड्यूस करना है बाय हाफ. सो हमारा 70 है, वी नीड टू ब्रिंग इट टू अबाउट 35%. देन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी कॉल्स फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल्स फॉर ऑल चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड बाय 2025. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना एक निपुण भारत मिशन स्टार्ट करा है विच इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी. सेकी बाय नीति आयोग एम्स टू शिफ्ट द फोकस टू लर्निंग आउटकम्स, पर ये स्टेट बेस्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नहीं है. एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम जैसी हमें एक स्कीम चाहिए वेयर जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज्यादा ऑब्जर्व करा जाता है आइदर जेंडर गैप या फिर लर्निंग गैप, वहां पे प्रैक्टिसेस हो और फिर ये प्रैक्टिसेस अलग डिस्ट्रिक्ट में शेयर हो. ठीक है, तो इन इन शॉर्ट इसको और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ये इसका एक हमेशा से वो रहा है criticism. And then to empower the teachers, a capacity development program for teachers and school heads, Nishtha was launched by the NCERTs. So, मोटा मोटी इतने initiatives काफी है याद रखना. Main हमारे पास एक मंगोलिया वाला data है जो कि hard fast बताता है कि how a better access to books led to a better outcome. और उसने यहाँ पे एक mathematical figure देके रखा है. Other than that, इस article में reasons for learning poverty और जैसे सर ने बोला education के लिए हिसाब से भी ये याद रखना जरूरी है. एंड ठीक है, इसमें इतना ही था. किसी को इस आर्टिकल में कुछ ऐड करना है? वैसे काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था ये, मतलब हर एक जीएस पेपर में यूज होगा इसका, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स. जैसे वो बताया कि पुअर की डेफिनेशन क्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, जिसमें वो अपॉर्चुनिटी डेफिसिट फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेट्रा आता है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो रीजंस भी जो थे. और उसमें कीवर्ड्स थे जैसे इंटरजनरेशनल सोशल मोबिलिटी, सोशल ट्रस्ट था, वहाँ पे सोशल कैपिटल भी लिख सकते हैं, लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है. और जो हवे ना वो टेबल था ना, हाउ कैन स्कूल्स वर्क टू ब्रिज लर्निंग गैप, उसमें बहुत मतलब जो है ना प्रायोरिटाइज टीचिंग फंडामेंटल्स, एक काफ़ी अच्छा पॉइंट्स बन जाएगा जीएस में लिखने के लिए. इंक्रीज कैच अप लर्निंग और जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा सा मतलब वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम. और नीचे जो निपुण भारत निष्ठा वगैरह जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा लिखने के लिए, और मंगोलिया का डेटा भी. वो सर फिर अगला किसका आपका है? हाँ सर, मेरा है. तो ऑनलाइन गेमिंग, ये जो यूनियन बजट जो हुआ उसमें एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया गया है. AVGC मतलब एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक्स, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये सब है, गेमिंग वगैरह. तो ये टास्क फोर्स ये हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के. तो ये जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह, तो ये वर्क करेंगे कि FDI अट्रैक्ट करने के लिए, देन एनहांस एक्सपोर्ट टू लीड, क्रिएट इन इंडिया, ब्रांड इंडिया. तो एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, क्रिएट इन इंडिया, ब्रांड इन इंडिया. तो यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया है उन्होंने, कैप्चर 5% 40 बिलियन डॉलर ऑफ द AVGC ग्लोबल मार्केट बाय 2025 विद ग्रोथ ऑफ 25-30%. तो एक कुछ न्यू जॉब क्रिएशन एनुअली, मतलब ये कुछ डेटा दिया है. तो ऐसा कुछ आएगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लिख सकते हैं कि ये किया है अभी, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया है, इसमें से इतने जॉब क्रिएट होंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसके, नेशनल AVGC फ्रेमिंग ऑफ नेशनल AVGC पॉलिसी, रिकमेंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, देन बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो साइट में मतलब मुझे नहीं लगता इतना AVGC इम्पॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन साइट में जो ड्राइवर्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर दिया है ना, तो वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की जगह ऑनलाइन एजुकेशन आ गया या मॉडर्न एजुकेशन आ गया ना,
तो वो भी जिसमें जो पॉइंट्स दिए हुए इसमें वो भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, अफोर्डेबल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस एंड इंटरनेट, यंग पॉपुलेशन, ग्रोविंग टेक स्टार्टअप्स, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हो आप डायग्राम के फॉर्म में। मतलब ऑनलाइन गेमिंग आएगा आने पर ही नहीं, बाकी एजुकेशन का पॉइंट आएगा तो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एंड इट्स पोटेंशियल। ब्रॉडली ऑनलाइन गेमिंग इम्प्लाइज प्लेइंग गेम्स विच नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। ये सनराइज गेमिंग इंडस्ट्री है। सनराइज वर्ड मतलब ये थोड़ा सा मार्क फेच करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग हैज सीन ए सिग्निफिकेंट स्पाइक इन डिमांड अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स सच एज मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, रियल टाइम स्ट्रैटेजी, फैंटेसी गेम्स ए पोकर, रमी एट्सेट्रा इन्वॉल्विंग बेटिंग एंड वेजरिंग। तो जैसे एथिक्स में भी आ सकता है कि देखो जैसे पहले कुछ अनइथिकल था, बाद में वो फिर इथिकल मतलब बन गया। जैसे क्रॉसिंग द सी, जैसे हिंदुज़म में पहले अच्छा नहीं माना जाता था, वो बाद में समय के साथ वो चेंज हो गया। वैसे वो बेटिंग और वेजरिंग जैसे इलीगल था पहले, अभी उसमें टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ तो कैसे उसमें चेंज हो गया, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया। तो थोड़ा लीगलाइज करने में टेक्नोलॉजी कैसे वहाँ पे ये एग्जाम्पल चिपका सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह एट्सेट्रा। देन इंटरेक्टिव गेम्स बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? वो कैमरे के थ्रू अपन 3D वगैरह रेंडर करते हैं रियल टाइम में। हाँ राइट सर, मतलब इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे पोकेमोन वाला गेम था उसमें दोनों थे, वैसे ऑगमेंटेड रियलिटी। हाँ देन इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वाज एस्टिमेटेड एट, ये कुछ फिगर्स दिए हैं, आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा। देन CAGR भी दिया है इसमें, तो CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। राइट, मतलब ये कुछ मीन एनुअल ग्रोथ रेट होता है कुछ इन्वेस्टमेंट पे, जो कुछ रेट ऑफ रिटर्न्स ऐसा कुछ होता है देता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, तो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो गया? इट विल इम्प्रूव गवर्नमेंट रिवेन्यूज थ्रू टैक्सेस ऑन ऑनलाइन गेमिंग, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डिपिसिट, एंड इट कैन बी यूज टू ऑगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू लुक इन टू GST रेट्स ऑन कसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्सेज रीच कंसेशन ऑन 28% टैक्स स्लैब। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो वही एनिमेशन टेक स्टार्टअप हो गए, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो ऑन डिमांड, ये सब मतलब जो OTT है ना वो भी इसी लाइन पे आता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। रिड्यूस इलीगल एक्टिविटीज़, ओके, तो वही ड्रीम इलेवन वाला बोला मैंने कि बेटिंग एंड वेजरिंग में जैसे लीगलाइज कर दिया तो उससे इलीगल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस सब्सटेंस अब्यूज़, कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अलाउज पीपल टू प्ले फ्रॉम होम, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ विच इज़ मोर कॉमन एट बेटिंग प्लेसेस कैसिनोज। वही मतलब अब्यूज़ कम होगा। ठीक है, न्यू डायमेंशन टू स्पोर्ट, ग्लोबल लेजिटिमेसी ऑफ ई स्पोर्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर्स टू विन लॉरेल्स फॉर नेशन। टोक्यो ओलंपिक्स वगैरह में ये सब गेम्स इंक्लूड कर दिए अभी, पबजी वगैरह, तो नया एक डायमेंशन, कुछ नया क्रिएटिविटी भी बन सकती है यहाँ पे। प्रमोट इनोवेशन जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसे डिस्कस किया, तो उसमें प्रमोट कर सकते हैं इनोवेशंस और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। बेटर एजुकेशन, एजुकेशनल ऑनलाइन गेम्स कैन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न डिफरेंट थिंग्स कल्चर थ्रू ग्रेटर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। जैसे अलग अलग गेम है उसमें अभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रहती है, और मतलब डिस्कस वगैरह करके इश्यूज एसोसिएटेड विद ऑनलाइन गेमिंग, तो वही फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म्स है कुछ। जो ब्लू वेल्स गेम था उसमें कुछ सुसाइड करने का टास्क वगैरह दिया जाता था, तो वह हार्म है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल।
देन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ, कोई घंटे घंटे बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके वजह से स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ मतलब बैक के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. देन गेमिंग एडिक्शन हो सकता है, तो कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ दिस गेम्स लीड्स टू एडिक्शन, क्रिएटिंग इश्यूज ऑफ सोशल डिसफंक्शन. तो ये सोशल डिसफंक्शन कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं. पुअर सोशल स्किल्स, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये वर्ड यूज़ करेंगे तो. लार्जर फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शंस, पुअर एजुकेशनल परफॉर्मेंस, तो वही मतलब गेम्स में रहेंगे तो उनकी थोड़ी जो लर्निंग एबिलिटी है जो, तो कम हो जाएगी. तो इसमें नीचे दिया है कि लॉस ऑफ सोशो कल्चरल कंडीशनिंग एंड मॉरल वैल्यूज एज वेल, मतलब वही इथिक्स में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्शंस, राइज इन वायलेंस, देन फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, क्राइम रेट बढ़ सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन, देन चिल्ड्रन एट होम एंड आउटसाइड एक्सेट्रा, डिसऑर्डर्ड गैम्बलिंग, लैक ऑफ नेशनल गेमिंग रेगुलेशन इंक्रीजेस केवॉस, लीडिंग टू राइज ऑफ इलीगल गेमिंग एप्स फ्रॉम हिडन प्लेयर्स विद अल्टेरियर मोटिव्स, मतलब हिडन मोटिव्स जो भी होते हैं, लिमिटेड लीगल अवेयरनेस, अंडर सेवन शेड्यूल, बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर इन लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट में है. इट लीड्स टू डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट स्टेट, रिसेंटली स्टेट लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका बैन ऑनलाइन रमी एंड एट्सेट्रा. और नीचे भी दिया है कि स्टेट हाई कोर्ट जो है लिफ्टेड द बैन एज अ गेम ऑफ स्किल आर लेजिटिमेट अंडर आर्टिकल 19(1)(g). तो ऊपर देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग जो टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, जो इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग के रिस्क दिए हैं ना, कौन सी भी टेक्नोलॉजी आए ना तो ये हम लिख सकते हैं वहाँ पे. टेक्नोलॉजी का फैक्टर आया तो जो साइबर क्राइम या साइबर जो भी उससे रिलेटेड आएगा तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं वहाँ पे. रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स, फाइनेंशियल फ्रॉड ड्यूरिंग गेम ट्रांजेक्शंस, या फिर ऐसे भी लिख सकती फाइनेंशियल फ्रॉड्स ड्यूरिंग ओनली ट्रांजेक्शंस, मतलब दूसरा कुछ क्वेश्चन आए तो. इश्यूज ऑफ आउटडेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस विद पुअर कंप्लायंस, ग्रोइंग चीप शॉर्टेजेस विच विल इंक्रीज प्राइसेस सच एज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइवेसी इशूज ड्यू टू द ऑनलाइन नेचर, इशूज लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा माइनिंग. और एक काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट भी बनाए उन्होंने, ये भी थोड़ा क्रिएटिव रहेगा बनाएंगे आंसर्स में. तो नीचे देखते हैं वे फॉरवर्ड, डिसीजन टू सेटअप एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स इज अ पॉजिटिव स्टेप एंड इट शुड बी फर्दर बैक बाय स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर क्लैरिटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग. तो लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशंस ऑन गेम्स इन्वॉल्विंग बेटिंग एंड वेजरिंग फ्रॉम स्टेट, और अलाउ सेंटर टू मेक रेगुलेशंस अंडर आर्टिकल 252. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के परस्पेक्टिव से भी. सेंटर कैन ऑल्सो डू इट ऑन इट्स ओन बाई यूजिंग इट्स रेसिड्यूरी पावर्स अंडर आर्टिकल 248. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, रेसिड्यूरी पावर्स अंडर आर्टिकल 248. रेगुलेटरी क्लैरिटी, एस्टेब्लिश अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एंटायर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री टू स्टैंडर्डाइज रेगुलेशंस, वही रेगुलेटरी के लिए कुछ होना चाहिए. देन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यूज IEC जो वही टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन गेमिंग इल्स एंड बेनिफिट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल प्ले, गुड हेल्थ एंड बींग सोशल, सुपरवाइज चिल्ड्रन एट होम, पेरेंट्स शुड सुपरवाइज चिल्ड्रन ऑनलाइन गेमिंग टू चेक द टाइप्स ऑफ गेम, जैसे वो ब्लू वेल्स वाला था. देन कर्बिंग लॉस चेसिंग, अ कैप कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम एन इंडिविजुअल अक्रॉस प्लेटफॉर्म ओवर वन प्लेटफॉर्म टू अवॉइड ग्रेटर इकोनॉमिक लॉसेस. तो वही मतलब हम लॉस कम कर सकते हैं अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए तो, एट्सेट्रा. तो ये सब था, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, वो जैसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी हुआ था कि आई थिंक 39 या 40 लाख कुछ किसी ऑनलाइन गेमिंग में, पॉसिबली पॉसिबली शायद पबजी या BGMI में, मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या एग्जैक्टली दोनों में, बट किसी एक एक शूटर गेम में उसने इन्वेस्ट कर दिया था और वही उसके फादर को पता नहीं था, 39 लाख चले गए. अब वो रिफंड भी नहीं होंगे बिकॉज एक लेजिटिमेटेड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है वो दूसरे पार्टी की साइड से. यहाँ से लड़के ने भी
हाथ तो कर दी पर अब क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं कर सकते राइट। सो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कर्बिंग लॉस चेसिंग, और उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारा अब गेमिंग एडिक्शन क्या कर रहा है, सोशल डिसफंक्शन और लार्जर फाइनेंशियल लॉसेस। सो इस सोशल डिसफंक्शन का एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप देखोगे कि काफी सारे लोग अब थोड़े गलत तरीके से बात करने लगे, खासकर बच्चों में राइट। जो एक आप कुछ वर्ड्स मतलब कुछ कर्स वर्ड्स बोल लो या स्लैंग बोल लो जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक्सपेक्ट नहीं करते, तो एक 7th या 8th क्लास के बच्चे को वो तक आता है उनको राइट। तो सोशल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल लॉसेस भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को टैकल करने के लिए एक लीगल क्लैरिटी और रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए, जो कि साथ ही साथ में इन्फोर्स हो सुपरविजन एट होम के साथ। जब तक घर पे पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे ठीक है, क्योंकि उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस है जो कि इस तरह के इश्यू राइज कर रही है राइट। कि बच्चा एक बार बोलता है आप पासवर्ड बता दो, तो उसके बाद वो भूल ही जाते हैं उनने बच्चे को पासवर्ड बताया था। तो बच्चे भी आजकल अलग अलग मेथड से तरीके निकाल रहे हैं राइट। जैसे US है तो वहां पे अकेले कार्ड का आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, यू डोंट नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन टू प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन राइट। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। इसमें मेजर कॉज है पेरेंट्स की लैक ऑफ अवेयरनेस। सो पेरेंट को एक तो अवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद पेरेंट को ये भी अवेयर करना पड़ेगा कि एक्सेस कैसे हो रहा है गेम के फाइनेंशियल कंपोनेंट्स के लेके राइट। सो जब वो एक्सेसिबिलिटी के बारे में उसको पता चलेगा, अफोर्डेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, तब जाके कहीं पे एक प्रॉपर कर्बिंग हो पाएगी जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं या फिर जो सोशल डिसफंक्शन हो रहा है उसमें। तो आई थिंक साउथ कोरिया की चाइना में कहीं पे उन्होंने गेमिंग आवर्स फिक्स कर दिए थे, वेयर देवर मैंडेटेड कि इतने इतने आवर्स तक ही अब बच्चे खेलेंगे, उसके अलावा गेमिंग सर्वर्स या तो चलेंगे नहीं या फिर उन लोगों को अलाउड नहीं रहेगा राइट। सो उन्होंने एक प्रोफाइलिंग स्टार्ट कर दी थी। अगेन ये इनकर्शन है प्राइवेसी पे, बट एक सिमिलर मेथड अपन अगर पेरेंट्स पे इंस्टिल कर पाए थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो इश्यूज हो रहे हैं इन पे क्या बोलते हैं लॉस कम हो पाए या फिर हम इसको टैकल कर पाए। ठीक है, इतना ही था इसमें। ठीक है स्पर्श सर। आप हो यहाँ पे? हेलो स्पर्श सर, माइक म्यूट है आपका। हाँ हेलो। हाँ 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 सर, हाँ आ रही है ना आवाज़। हाँ सर। तो ये टॉपिक था, ये जो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इन्होंने अभी ये रिलीज किया रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022। तो टाइटल से ही मतलब पता चल रहा है क्या बोलना चाह रही है। सीन द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के ऊपर निकाला, तो रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स आई है कि ऊपर है सर वो, ये कि ओवर 60% ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इन अबॉर्शन एंड 45% ऑफ अबॉर्शंस आर अनसेफ, कॉजिंग 5 to 13% ऑफ मेटरनल डेथ्स। ठीक है, तो ये इनका एक फैक्ट है अच्छा जो ये डायरेक्ट डाल सकते हैं हम। बाकी 13% ऑफ वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज बिगिन चाइल्ड बियरिंग बिफोर दे टर्न 18, तो इसको हम इंडिया के केस में डाल सकते हैं। फिर है बिटवीन 2015 to 19, 121 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज अक्रॉस वर्ल्ड एवरी ईयर एंड 1 in every 7 ऑफ दीज अकर इन इंडिया। तो ये याद कर सकते हो आप, तो डाल सकते हो, वैसे काफ़ी मुश्किल सा है, पहले तो वो काफ़ी अच्छा है। फिर है इनके कुछ की फैक्टर्स इन्होंने बताया जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रेगनेंसी के लिए। तो पहला है सबसे लैक ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा है हार्मफुल नॉर्म्स एंड स्टिग्मा सराउंडिंग वुमेन कंट्रोलिंग देयर ओन फर्टिलिटी एंड बॉडीज। फिर तीसरा है जजमेंटल एटीट्यूड्स और शेमिंग इन हेल्थ सर्विसेज। फिर है पॉवर्टी एंड स्टॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
हाँ ये अभी जो केस भी चला था रोए वर्सेस वेड केस, यूएस ने अभी वो कर दिया, लीगल राइट्स हटा दिया इसको, एबॉर्शन को, तो अभी बैन भी कर सकते हो वहाँ पे, तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में। फिर है पॉवर्टी एंड स्टॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर है जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये सारे रीजंस है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके लिए, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के लिए। फिर इन्होंने थोड़े बहुत मतलब पहले बताया इसके बारे में कि ये क्या है, मतलब यूएनएफपीए जो है वो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, 1968 में बनाया था। तो ये काम किस किस के लिए करता है, मतलब किस चीज़ के लिए करता है, एरिया ऑफ पॉपुलेशन और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये इसका प्राइम फोकस है। उसके बाद एस्टेब्लिश्ड बाय यूएन इकोसॉक, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट्स पार्ट, गवर्नमेंट को भी बनाता है, मतलब गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है और जो अदर यूएन एजेंसीज है उनके साथ भी वर्क करता है। तो ये 3 गोल इसके पूरे करता है, ये एसडीजीज के गोल नंबर 3 हेल्थ वाला, 4 एजुकेशन और 5 जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। फिर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का डेफिनेशन बता रखा है इन्होंने सिंपल सा, कि इट इज अ प्रेगनेंसी दैट इज आइदर अनवांटेड सच एज द प्रेगनेंसी अकर्ड व्हेन नो चाइल्ड और नो मोर चिल्ड्रन वर डिजायर्ड, तो सिंपलेस्ट सा डेफिनेशन है, सही सा। फिर इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वही पॉइंट्स को मतलब थोड़ा वो कर दिया, जैसे उसमें था जेंडर इनइक्वालिटी तो इसमें बता दिया जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस, फिर इन्होंने सोशल प्रोटेक्शन बता दिया, वहाँ पे स्टिग्मा वगैरह दे रखा था, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस तो वहाँ पे जो दे रखा था, हाँ यही हार्मफुल नॉर्म्स एंड स्टिग्मास अराउंड वुमेन्स। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, तो वहाँ पे वो लैक ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ था तो ऐसे दे दिया, तो वही पॉइंट्स को थोड़ा सा हम मोल्ड करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके ऊपर और कोई कुछ बताएगा क्या? ठीक है, फिर चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्चेस। तो अभी इसका एक नया नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज करके चलाया है, तो इसके अंदर ये एटीट्यूड पे फोकस करेंगे, तो बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करेंगे लोगों का। तो फ्रेमवर्क शैल सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट ब्लूप्रिंट फॉर स्टेट्स एंड सिटीज टू अंडरटेक लार्ज स्केल मल्टीमीडिया कैंपेन्स अलॉन्ग विद इंटेंसिव एंड फोकस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन्स, तो कैंपेन्स चलाई जाएंगी और जो कम्युनिकेशन के थ्रू इस चीज़ को फैलाया जाएगा ज़्यादा। तो फोकस इज ऑन इंटेंसिफाइंग मैसेज अराउंड द की फोकस एरिया ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट एंड रेमिडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट्स टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म द अर्बन लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन के बारे में बताया है कि एक तो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन ऑल द स्टेटूटरी टाउन्स एंड इफेक्टिंग बिहेवियर चेंज थ्रू जन आंदोलन, तो इसी के जैसा एक वो स्वच्छ भारत मिशन रूलर है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है? वॉट है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाली। तो फिर है इट फोकस इज ऑन, तो फोकस एरिया इसके इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कीम्स के ऊपर वो ऐसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि स्वच्छ भारत स्कीम का अब तक क्या प्रोग्रेस है, क्या और सुधार करने की जरूरत है, तो उसमें डाल सकते हैं। तो फोकस प्राइम फोकस एरिया है इसके, एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा है मैनेजिंग वेस्ट वाटर, तो ये 3 चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अचीवमेंट्स अब तक क्या क्या हुई है इनकी, एक तो ओवर 70 लाख हाउसहोल्ड्स कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट, अर्बन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री इन 2019। फिर इसमें है साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट हैज गॉन अप ओवर 4 टाइम्स फ्रॉम 18% इन 2014 टू 70%। फिर है कॉन्टिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट एंड सिटी लेवल ऑफिशियल्स, तो ये इसका मतलब मेन स्किप ऑर्डर पॉइंट है, और इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण भी होता है, तो उसमें जो ये तीन तीनों चीजें ना, जैसे वाटर वाला, ओपन डेफिकेशन फ्री और सॉलिड वेस्ट, तो
ओपन डेफिकेशन स्टेट कौन सा बना था इंडिया में फर्स्ट? सिक्किम था। और फिर एक वाटर स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर वाला, ये दोनों इंदौर को मिले हुए हैं, तो वो फर्स्ट सिटी है इंडिया में, मतलब ऐसी वाटर प्लस सिटी भी है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तो इसका हिंदी नाम है सुगम भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य का मतलब होता है आसान, या आसानी से कोई चीज मिल जाए या आसानी से उस तक पहुंच सके, तो रीचेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब इसका मतलब होता है। तो ये जो चलाई गई है मेनली है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, ठीक है, उनके लिए। इसका असर नीचे लिखा हुआ था नाम ये हिंदी में, सुगम्य भारत। तो अभी इसकी मतलब ये द ओरिजिनल डेडलाइंस फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर थ्री हेड्स वर बिटवीन जुलाई 2016 टू 2019। अभी उन्हें थोड़ा रिवाइज कर दिया गया है और जून 14, 2022 तक की डेडलाइंस दी गई है। तो इसमें तीन चीजें बनेंगी फोकस में ये पीडब्ल्यूडीज के लिए। एक तो एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इसमें कि एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स इंक्लूड होंगे। फिर लास्ट में आईसीटी इकोसिस्टम, मतलब इसमें वेबसाइट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और टीवी व्यूइंग, ये सब इसके अंदर डाला जाएगा। तो ये तीन इसके मेन फोकस पॉइंट है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये था। ठीक है, लास्ट पे दो मेरे थे ना। ठीक, जल्दी से लास्ट वाले आप दो पढ़ लेते। तो पहला है टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम सेमिटेरेस, जो यूजीसी ने अभी क्या करा, उसने गाइडलाइन अलाउ करी है स्टूडेंट्स को टू परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड, राइट। सो अभी तक सब लोग यहाँ पे एक एक डिग्री होल्डर है, राइट। बट अब यूजीसी की गाइडलाइन के बाद अगर आप अभी जैसे एलएलबी करने जाओगे, सो यू कैन डू एलएलबी अलोंग विद अ मास्टर प्रोग्राम, राइट। सो यही वो कॉम्बिनेशन बता रहे, डिप्लोमा प्रोग्राम और एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हो, या तो टू मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो या टू बैचलर प्रोग्राम कर सकते हो। द मेन पॉइंट बिंग, या तो दोनों सेम होने चाहिए, दैट इज दोनों बैचलर होने चाहिए या दोनों मास्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, एक मास्टर कर रहे हो, राइट। सो अडॉप्शन ऑफ दीज गाइडलाइंस इज ऑप्शनल फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टैचुटरी बॉडीज। एंड ये मूव जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के परसुएंस पे। इसके अलावा एक और हमने पढ़ा था एबीसी करके, इसको याद है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। वापस से आवाज ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। हाँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राइट। सो यहाँ पे यही था कि आप 1.5 साल एक डिग्री करो, उसके उसके इक्विवेलेंट एक क्रेडिट आपके प्रोफाइल से अटैच हो जाएगा, और उसके बाद आप इस क्रेडिट को अगले 5 साल या फिर जो भी टाइम लेंथ देके रखा है उसमें आप यूज कर सकते हो किसी और डिग्री को परस्यू करने के दौरान, राइट। सो कंपेंसेट हो जाएगा वहां पे। सो अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने कर लिया है, प्राइवेट में एलपीओ बड़ा नाम है, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जामिया मिलिया एंड जेएनयू आई थिंक लीड कर रहे हैं एबीसी में, राइट। सो अब एबीसी के अलावा हमारे पास अब टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स भी हो गए। सो एक दो अच्छे इनिशिएटिव्स हो गए एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। अगला है ई डिटेल एक्शन रिपोर्ट या ई दर पोर्टल। सो क्या है ई दर पोर्टल? सो इट इज अ वेब पोर्टल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज फॉर इंटीग्रेटेड डेटा इंसिडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स। सो ठीक है, इसके बारे में पहले तो एक ग्राउंड लेवल पता होना चाहिए क्या होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदते हैं, तो 1-2 सालों में उसका फेक एक्सीडेंट का एक बनवा के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेते हैं। ये काफी सालों से चल रहा है और एक बहुत बड़ी कैपेसिटी में ऐसा हो चुका है कि कभी किसी इंश्योरेंस बैंक का ऑडिट होता है तो ये सारी चीजें अच्छी खासी निकलती है।
तो अब उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक तरीके से जो रियल हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था वैसा टाइप का कुछ इंश्योरेंस बस्ट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ इस वेब पोर्टल को लॉन्च कराया विच इज कॉल्ड ई दर या डिटेल एक्शन रिपोर्ट. सो पोर्टल विल ब्रिंग रिलीफ टू विक्टिम्स फैमिलीज चेक फेक क्लेम्स थ्रू डिजिटलाइज डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स. नाउ इट वुड बी लिंक्ड विद वाहन एंड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD टू एक्ट एज एन ई वर्जन ऑफ IRAD एंड विल ऑल्सो अलर्ट PWD लोकल बॉडी टू एग्जामिन एंड रिकॉर्ड डिटेल्स हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग द एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स फॉर नेसेसरी सॉल्यूशंस टू अवॉइड फ्यूचर एक्सीडेंट्स. ठीक है, सो इतना ही था ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर सोशल मोबिलिटी सेक्टर के लिए इनिशिएटिव था. ठीक है, ठीक है, तो इतना ही था सोशल न्यूज में. अपन लोग का आधा घंटे का सेशन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा था. 1 मिनट.